आप में मेडिकल वाला कौन है? इधर के बॉम्बे गए आप लोग? क्या प्रॉब्लम क्या? एक्चुअली मेरी नानी जो एडमिट है वो अभी फिलहाल एडमिट है, उनको निमोनिया एंड कोविड हुआ है और मैं अकेले उनको हैंडल कर सेंट्रल साकिना का हॉस्पिटल है। आपने पहले भी बात किया था कि पहले भी बोला था कि मैं वो सर से बात हुई थी हमारे से साथ हमने भेज दिया है अभी आज का डिटेल उनको पहले नहीं आया पहले नहीं आया ये फर्स्ट टाइम है। यार मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो मेरे को ना भागना, मेरा भी शूट है मेरे को भागना, तो आप अपने ना एक एक स्लिप पे अपना लिख दीजिए, मैं अपनी टीम को दे दूँगा, कॉल कर करके आप लोगों से पूछ लेंगे। हाँ क्या अभी है तो आपने क्या दिक्कत किया? आप एक काम कीजिए ना यार, जो मेडिकल वाले हैं ना, तो एक छोटी सी पर्ची के ऊपर तीन चार चार लाइनों में अपना फ़ोन नंबर और वो लिख दीजिए, मैं अपनी टीम से करके आज सारे फ़ोन करवाता हूँ, जॉइन को भेज दें तो फ़ोन करके आपसे पूछते हैं सारी डिटेल्स, जहाँ जहाँ होगा हम लोग बात करते हैं। आप भाई जय माता दी, भाई मैं लेके आ रहे थे यहाँ तो बदला पर रह रहे थे 15 साल, तो 1.5 साल से नौकरी छुट्टी मेरी, तो जॉब मिल गई नहीं शर्मा मेरा, हाँ जी आदि को इतने रह रहे 15 साल तक इतने रुकते हो गए, बदला पर तो आया था कल आज तक भाई यार सुन ही नहीं रहे। कुछ नहीं, मुझे खाली कोई भी कंपनी में कैंटीन चाहिए था, काउंटर चाहिए था सीखने के, क्योंकि मेरा पहले कैंटीन काउंटर था तो अभी सब बंद हो गया, जितने भी कंपनी थे सब बंद हो गया, तो मैंने कैसे इसमें पटने में सब जगह पे ट्राई किया तो अभी किधर भी मिल नहीं रहा है, एचआर वगैरह कोई आ नहीं रहा, तो बोल रहे हैं कि मैं बोल रहा ना, आप जैसे पर्ची पे अपना नंबर लिखा हुआ है ना, आप ऐसे पर्ची पे प्लीज अपना एक ना डिटेल और नंबर और छोटा सा कार्ड जो भी अपना भेज के गुड्डू को दे दीजिए। सर मुझे एडमिशन के लिए आई, किसके एडमिशन? कहाँ पे? एडमिशन के लिए सर फीस भर रहा है सर, मेरे को सब लेके आया। नहीं तो कहाँ पे पढ़ती है अभी? चेंबूर में। मैं वही बोल रहा हूँ, जो भी आप अपने एक बार लिख के दे दीजिए ना, हम आपसे फोन करके बात करेंगे और समझेंगे आपसे क्या प्रॉब्लम है। सर हमारे बच्चे महात्मा गांधी में यही पढ़ते तो वही तो बोला, पर्ची भी लिख के देंगे ना, तो मैं फोन करके पूछूंगा ना आप लोगों से। आप ये वाले आप ऐसी पर्ची करके इनको पकड़ा दीजिए, एक एक बंदे से हम लोग फोन करेंगे। नाम नहीं लिखना, आपको पर्ची पे पूरा लिख के दे दीजिए इनको, जैसे ये लिखा हुआ मैडम लेना उसी के लिए खड़ा हो। प्रूफ नहीं चाहिए, ये गुड्डू आपको समझाएगा बच्चे का नाम नंबर और आपका आपका डिटेल और कौन से स्कूल में पढ़ते हैं और क्या प्रॉब्लम क्या है। भैया मेरी 1000 रुपये की फीस मैं नहीं भर पा रही हूँ, या मैं इतनी में भर पा रही हूँ कि नहीं, डिटेल लिख दीजिए फिर हम लोग फोन करेंगे। समझ गया, समझ गया, प्लीज सर। हाँ बच्चे लिख दीजिए, सुनने को बाद में सुनेंगे। दादा मेरी शूट है, मैं लोग नहीं कर रही हूँ। अरे इधर मत आओ, नहीं कर रहे हैं, इधर मत आओ, मैं बोल रहा हूँ। सर लिख दीजिए, सर लिख के दे दो प्लीज।